अस्पताल अमरोहा में एम्बुलेंस चालकों पर हो रहा अत्याचार। जिला अस्पताल में आज एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। कमेटी के जिला अध्यक्ष हितेंद्र पुत्र श्री चंद्रपाल व उनके साथी धर्मपाल सिंह, फहीम अहमद, नरेश मौर्य, प्रशांत धरने में आदि मौजूद थे। कमेटी के जिला अध्यक्ष हितेंद्र पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह ने बताया कि हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन हमसे 12 घंटे की कराते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारा वेतन भी समय से नहीं मिलता और हमारा पीएफ भी नहीं कटा। हितेंद्र जी ने बताया कि हमारी तैनाती 50 किलोमीटर तक तय हुई थी, लेकिन हम सबसे 500 किलोमीटर तक काम कराते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी मांग ये है कि वेतन में वृद्धि हो और हमारी ड्यूटी 8 घंटे की हो, और अगर ड्यूटी 8 घंटे से ज्यादा कराते हैं तो ओवरटाइम मिलना चाहिए। हितेंद्र जी ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम कल शाम को कार्य बहिष्कार कर देंगे। और आज तक अभी कोई भी हमारे वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं करी गई है, और वेतन भी समय पे नहीं मिलता है। ड्यूटी 12 घंटे कराई जाती है और पीएफ में बहुत बड़ा घोटाला है। 6 महीने से हमारा पीएफ भी नहीं कटा है, खाते में नहीं जमा कराया गया। क्या चाहते हैं? और हमारे जो इतनी कम सैलरी में भी 400-500 किलोमीटर लड़कों की तैनाती है, वो हम जो है कम से कम 50 किलोमीटर के दौरे में जो समझौता हुआ था श्रम विभाग के द्वारा पहले, उसमें भी कंपनी नहीं मानी है। क्या मांग है इसमें तुम्हारी, क्या क्या आप क्या चाहते इसमें हैं? एक तो वेतन वृद्धि है, और जो है ड्यूटी 8 घंटे की है, और इससे एक्स्ट्रा कराते हैं तो ओटी मिलनी चाहिए ओवर टाइम। और आपकी मांग ये कब तक, क्या मतलब क्या? ये हमारा शांतिपूर्ण धरना कल शाम तक चलेगा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर। उसके बाद में अगर हमारी कोई मांग नहीं मानी जाती है, कोई वार्ता नहीं होती है, तो कल शाम 8 बजे बाद में कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा।